हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवन के लिए चैप्टर नंबर सिक्स द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। पहले बेसिक नॉलेज इसका जो भी है प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद तब फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बेसिक नॉलेज में पहले मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा है जिस पर डिस्कशन मुझे करना है। क्या है? पहला है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको कहा जाता है? तो ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? तो ट्रायंगल इज ए बाउंडेड फिगर बाय थ्री साइड्स। थ्री साइड के द्वारा कोई फिगर को बाउंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूं, ये नाम हो गया ए, इसका हो गया बी, यानी हो गया सी। दिस इज द ट्रायंगल। ये साइड हो गया, तीन साइड हो गया, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। तो ये साइड ए भी हो गया, साइड ए भी हो गया, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। तो एंगल भी तीन हो गया, एक एंगल यहां हो गया, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, और ये हमारा हो गया वर्टेक्स, ये हो गया मेरा वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स कितना हो गया? एक दो तीन। यानी साइड पहले हम लिखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स वर्टेक्स कौन कौन हुआ? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए बी और सी साइड कौन कौन सा हुआ? वर्टेक्स साइड कौन कौन सा हुआ? तो साइड हमारे पास में हो गया ए बी, इसके ऊपर में एक बार लगा लीजिए तो लाइन सेगमेंट हो गया, और बी सी और सी ए। सी ए बोलिए चाहे ऐसी बोलिए, बात बराबर है। एंगल, एंगल तो एंगल हो गया आपके पास में, एंगल ए भी लिखते हम लोग, एंगल बी भी लिखते हैं और एंगल सी ऐसे लिखते हैं। एंगल ए को लिखने का तरीका दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है? एंगल बीच में आ जाइए तो बी ए और सी। दूसरा होगा एंगल सी ए और बी। ये तीनों एक ही टाइप है, एक ही चीज है। अब एंगल बी के लिए, एंगल बी आएगा बीच में तो जाएगा सी बी ए, और यहां होगा एंगल सी सी और ए बी सी, ए बी सी चाहे सी बी ए। उसी तरह से सी एंगल होगा एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। ये तीन तरह का एंगल होगा, कोई भी नहीं। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स हो गया, तीन साइड हो गए और तीन एंगल हो गए। कभी कभी पूछता है राइट सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल साइड एंड एंगल का। तो साइड हो गया आपके पास में, तीन साइड हो गया और तीन टू एंगल हो गया। हो सकता है नाइन एलिमेंट आपसे पूछ दे तो तीन वर्टेक्स हो जाएगा, तीन एंगल हो जाएगा और तीन तो साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया। एलिमेंट्स भी समझ में आ गया, एलिमेंट्स कितना कितना हो गया? वर्टेक्स तीन तो, साइड तीन तो और एंगल तीन तो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है, ट्रायंगल का टाइप कैसा होता है? तो अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल तीन प्रकार का होगा। कौन कौन? एस्केलिन, एस्केलिन ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसो सेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है इक्विवेलेंट, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एंगल होगा, पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
दूसरा होगा ऑब्टूस और तीसरा होगा राइट एंगल। सब में एंगल लग जाएगा, एक्यूट एंगल ए एन जी एल ये एंगल, यहां भी एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तीन प्रकार का ट्रायंगल हो गया एंगल के अनुसार से, तीन टाइप का हो गया है एंगल ट्रायंगल साइड के अनुसार से, एस्केलिन आइसोसेलेस एंड इक्विलेट। तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हो गया, ट्रायंगल हो गया, एलिमेंट्स हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग कर लिए। अब आते हैं मीडियन एंड एल्टीट्यूड पर। मीडियन क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लें और उसका कोई भी साइड एक ले लें, उसका मिडिल पॉइंट कौन पर, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, और उसके ठीक सामने वाला वर्टेक्स, उसके ठीक सामने वाला वर्टेक्स, ये दोनों को मीट कर लेंगे। तो मीडियन क्या आ गया, इसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मीडियन। अभी हम लोग डिटाइन पढ़े थे मीडियन, वो मीडियन नहीं है, यहां पर ये मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन हो गया कि कोई भी साइड का मिड पॉइंट एंड उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका लाइन ज्वाइनिंग जो होगा, उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं मीडियन क्या, मीडियन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स, इसका अपोजिट वर्टेक्स से जो साइड मिलेगा उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। अब मीडियन देखिए कितना होगा, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, तीन मीडियन आएगा। मीडियन की संख्या कितनी होगी, थ्री। मीडियन की संख्या थ्री। अब आते हैं थोड़ा सा मीडियन के बाद हम लोग आएंगे किस पर चर्चा करेंगे, अल्टीट्यूड्स में। अल्टीट्यूड्स आते हैं तो अल्टीट्यूड्स में क्या कहता है, अल्टीट्यूड्स में कहता है कि वर्टेक्स पर से, यहां था कि मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला ना, यहां कहता है कि वर्टेक्स पर से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड्स। अब अल्टीट्यूड्स भी हमारा कितना होगा, तो तीन साइड है, तीन साइड डालेंगे तो थ्री अल्टीट्यूड्स होगा, तीन टाइप का चाहे तो तीन टाइप का होगा, तीन अल्टीट्यूड्स होगा, यानी मीडियन भी हो गया और अल्टीट्यूड्स भी हो गया। अब हम लोग एस्केलिन ट्रायंगल लिखे थे यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिखे, ऑब्टूस भी लिखे, राइट भी लिखे और राइट एंगल ट्रायंगल भी लिखे, मीडियन मालूम कर लिए और अल्टीट्यूड्स भी मालूम कर लिए। अब हम लोग मीडियन पर चर्चा करते हैं, तो अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पहले हम लोग बना लेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है। तो यहां इसको इमेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यार टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था तो पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल जब 90 डिग्री से छोटा होगा उसको एक्यूट कहेंगे, और जब तीनों एंगल में से एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको हम लोग ऑब्टूस कहेंगे, और जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग राइट एंगल कहेंगे। इसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार से, और अकॉर्डिंग टू साइड्स, थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल, टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस, और कोई भी साइड बराबर नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये हो गया एस्केलिन ट्रायंगल। अब देखिए तीनों टाइप का ट्रायंगल है और इसमें पालन कीजिए कि मीडियन कहाँ जाएगा, तो मीडियन जो जाएगा किसी भी ट्रायंगल का लेंगे तो मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इसमें भी मीडियन अंतर में आएगा, टोटल मीडियन थ्री मीडियन इसमें भी अंतर आएगा, थ्री मीडियन इसमें भी आएगा, अंदर में आएगा। ज्वाइन करेंगे तो इससे इसको ज्वाइन किए, इससे इसको ज्वाइन किए, इससे इसको ज्वाइन किए, ये तीनों कहाँ जा रहा है, तीनों लाइन कहाँ है, अंदर में, तीनों लाइन अंदर में, तो इसमें भी तीनों लाइन अंदर में आएगा, इसमें भी तीनों लाइन अंदर में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यानी मीडियन जब भी ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल के अंदर होगा। अब अल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो यहां से वर्टेक्स डालेंगे तो परपेंडिकुलर अंदर में आ गया, ये सही है, ये 90 डिग्री से कम है तो सब अंदर में ही अल्टीट्यूड आएगा। लेकिन यहां पर देखिए जो दिखाई पड़ रहा है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो हम लोग डालेंगे परपेंडिकुलर यहां से तो यहां आएगा आउटसाइड में, तो हमें एक दिखाई पड़ गया कि आउटसाइड में अल्टीट्यूड आ रहा है। इसका मतलब क्या बार बार कोई भी अल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल में खींचेंगे ड्रॉ करेंगे तो क्या अल्टीट्यूड ट्रायंगल के इनसाइड में होगा या आउटसाइड में, ऑलवेज इनसाइड, ऑलवेज इनसाइड का मतलब ऑलवेज इनसाइड नहीं होगा, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। ये सब लोग बनाएंगे यदि ऐसा ट्रायंगल हमेशा बनाते रहेंगे तो अल्टीट्यूड हमेशा बन जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रायंगल बना देंगे तो अल्टीट्यूड अंदर में नहीं होगा, यानी मीडियन अंदर में आएगा अल्टीट्यूड अंदर में नहीं आएगा, तो ये मीडियन और अल्टीट्यूड का हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल हम लोग लेंगे तो उसका इंटीरियर एंगल जो तीनों एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल कहेंगे, और ये तीनों मिलकर कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब रह गया कि इस ट्रायंगल का ये इंटीरियर एंगल हो गया अंदर सब, एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, तो इस साइड को आप बढ़ा दीजिए तो ये एंगल जो हुआ हमारे पास में ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इस एंगल के लिए जब इसको बढ़ाए हैं तो हम इसको बढ़ाएंगे, ये एंगल अब इसको बढ़ाएंगे, ये हो गया, यानी इंटीरियर एंगल का सम किए तो 180 डिग्री हो गया, तो लिखिए इंटीरियर एंगल सम अब कितना करेगा 180 डिग्री। लेकिन यदि मान लीजिए हमने इक्विलेटरल बनाया था तो ये 60 हुआ, ये 60 हुआ और ये 60 हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तीनों साइड बराबर होगा, तीनों एंगल भी बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा तो 180 को डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब देख लीजिए ये लीनियर पेयर बन रहा था, अभी जस्ट पढ़े आप लोग, लीनियर पेयर बन गया तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये कितना होगा 120 डिग्री, ये कितना होगा 120। अब सारे एंगल को जोड़ दिए तो 12 कितना हो गया 36, यानी 360। कोई भी पॉलीगोन लीजिएगा, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन, कोई भी लीजिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360। याद रखिएगा, ये अभी आपको किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन जानना जरूरी है, एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का लेंगे तो 360 होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो इस एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो एक्सटीरियर एंगल के विषय में बोलता है क्या कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कोई भी लेंगे तो उसके अपोजिट में जो भी इंटीरियर एंगल होगा उसके सम के बराबर होगा। तो इसके अपोजिट में कौन कौन है, ये है और ये है, ये दोनों को ऐड करने में कितना होगा 120। यानी एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इस अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये है। यानी आपको ये पढ़ना है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल मान लीजिए दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो, तो 40 और 40 50 और 40 को हम लोग जोड़ देंगे 70 कर देते हैं, 70 और 50 को जोड़ देंगे साथ में कितना 120, 120 कितना होगा 120 डिग्री होगा। ये आपको क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब रिलेशन ऑफ साइड, रिलेशन ऑफ साइड 360। अब रिलेशन ऑफ साइड के विषय में जानेंगे क्या है, तो
कहता है क्या कि कोई भी ट्रायंगल आप लीजिएगा, कोई भी ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं तो सम ऑफ दो दो साइड, इस साइड को और इस साइड को आप यदि जोड़ दीजिए, ये थर्ड साइड है उससे बड़ा होगा। दो टू साइड को जोड़ेंगे, दो टू साइड का सम निकाल लेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल संभव है बनाना, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक साइड लिए हैं हम थ्री और एक लिए हैं फोर का, ठीक है, इसे लेते हैं, ये थ्री है और ये फोर है और एक सेवन का ले लेंगे। आप देखिए एक थ्री का है, फोर का है, एक सेवन का है, तो क्या ट्रायंगल बनना संभव है? यदि इस साइड को हम लोग यहां पर लेके आए तो यहां आएगा, इस साइड को लेके आए तो यहां आएगा, दोनों कहीं मीट नहीं करेगा। मीट कब करेगा? इसको जब यहां पर ले आएंगे तो, इसको हम लोग यहां पर ले आएंगे तो मीट करेगा। यानी ट्रायंगल बनाने के लिए, ट्रायंगल जो बनता है तो कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ट्रायंगल संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो रिलेशन ऑफ साइड्स समझ में आ गया, रिलेशन ऑफ साइड्स समझ में आ गया, ओके। अब लास्ट है हमारे पास में पैथागोरस प्रॉपर्टी। तो पैथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? तो पैथागोरस प्रॉपर्टी में बोलता है क्या कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके लिए पैथागोरस महोदय ने थ्योरम दिया था और ये फॉर्मूला दिया था। तो ये 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाई पोटेन यूज करते हैं, और इस एंगल की बात यदि कर रहे हैं तो ये बेस होगा, इस एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ओके। इसको स्मॉल पी से लिखा जाता है, इसको स्मॉल एच से लिखते हैं और इसको हम लोग स्मॉल बी से लिखते हैं। पैथागोरस ने बताया था इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। ये पैथागोरस ने बताया बताए हैं। तो ये पैथागोरस प्रॉपर्टी होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ओके। तो इस प्रकार से जो आपके सिलेबस में है, आपके एरिया में जो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसके सारे पार्ट्स को लगभग मैं आपको बता दिया, यदि कुछ बच गया होगा तो ये क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।